हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पी के शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी आवर यूट्यूब चैनल आयांस लर्नर अकेडमी। फ्रेंड्स, पीछे की वीडियो में हम लोगों ने मेटल चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। तो देखिए, इस प्रकार हम लोगों का ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी मार्क, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, मार्किंग एंड मार्किंग टूल, कामन हैंड टूल एंड की और मेटल चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाइए, इन वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, पीछे वाली जो वीडियो है, वीडियो संख्या 48 जो है, उसका लिंक मैंने आई कार्ड में दे रखा है, वहाँ पे जाइए, उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स, तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, वो है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का मतलब होता है ऊष्मा उपचार। तो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आज क्या क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट का परिचय देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है ऊष्मा उपचार। ऑब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट, इसका उद्देश्य क्या होता है। हीट ट्रीटमेंट जो है क्यों किया जाता है, हम लोग किस क्यों करते हैं हीट ट्रीटमेंट, इसकी आवश्यकता क्या है, तो उसको देखेंगे। फ्रेंड्स, ये दो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे ताकि वीडियो हमारा जो है लंबा न हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। हीट ट्रीटमेंट फ्रेंड्स, जैसे जान लीजिए आप लोग कि मान लीजिए हमें कोई मेटल को कट करना है, तो उस मेटल को काटने के लिए जो ये मेटल है, इससे कोई हार्ड मेटल रहेगा तभी इस मेटल को कट करेगा, नहीं तो नहीं कट करेगा, वो खुद ही वियर टियर होके ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होती है इसकी परिभाषा। द हीट ट्रीटमेंट इज डिफाइन एज एन ऑपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल और एन अलॉय इन सॉलिड स्टेट फॉर पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टेन डिजायरेबल कंडीशन और प्रॉपर्टीज। मतलब कि फ्रेंड्स, हीट ट्रीटमेंट क्या है कि यह एक प्रक्रिया है जिसके दौरान धातु और उसके एलॉय को मिश्र धातु को गर्म और ठंडा करके उसके अंतर्गत आवश्यक डिजायरेबल का मतलब आवश्यक गुणों को उत्पन्न किया जाता है। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे हिंदी में, हीट ट्रीटमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धातु या उसके एलॉय को गर्म और ठंडा करके उसके अंदर आवश्यक गुणों को उत्पन्न किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हीट ट्रीटमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धातु या उसके एलॉय को गर्म और ठंडा करके उसके अंदर आवश्यक गुणों को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड देखिए अब हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट करने से हमें क्या लाभ होता है, तो हम लोग देखते हैं हीट ट्रीटमेंट का क्या उद्देश्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ मेटल, मतलब धातु की कठोरता बढ़ाने में। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस सेट अप इन द मटेरियल आफ्टर हार्ट और कोल्ड वर्किंग, मतलब हार्ट वर्किंग गर्म अवस्था में कार्य करने या ठंडी अवस्था में कार्य करने के दौरान जो आंतरिक प्रतिबल धातु के अंदर उत्पन्न हुए होते हैं उन्हें समाप्त करने में
ठंडी अवस्था में कार्य करने या गर्म अवस्था में कार्य करने के दौरान धातु के अंदर उत्पन्न आंतरिक प्रतिबल को समाप्त करने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा है टू इम्प्रूव मशीनबिलिटी, मशीनबिलिटी को सुधारने में। जैसे फ्रेंड्स कोई हार्ड मेटल है उसकी मशीनिंग करना है तो आसानी से नहीं होगा क्योंकि उसकी मशीनबिलिटी जो है कम होती है, तो हम लोग ऊष्मा उपचार के द्वारा उसको सॉफ्ट करके हम लोग क्या करते हैं उसकी मशीनबिलिटी बढ़ा लेते हैं ताकि उस पर कोई भी मशीनिंग प्रक्रिया आसानी से की जा सके। दूसरा दिया है टू सॉफ्ट द मेटल, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम धातु को सॉफ्ट कर देते हैं ताकि मशीनबिलिटी बढ़ जाए, तो कभी कभी धातु को ऐसे भी सॉफ्ट करना रहता है तो हम लोग सॉफ्ट कर सकते हैं। अगला नंबर है टू मॉडिफाई द इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब आंतरिक संरचना को सुधारने में जैसे आपका कोर्स ग्रेन है तो उसको फाइन ग्रेन में बदलने में ताकि उसकी स्ट्रेंथ क्या हो बढ़ जाए, और इसके या इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक गुणों को सुधारने में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल गुण जिसे वो क्या हो जाएगा गुड कंडक्टर हो जाएगा, और चुंबकीय गुण ताकि वो क्या हो जाएगा वो चुंबक से अपनी ओर आकर्षित हो जाएगा, चुंबकीय गुणों में उसके सुधार हो जाएगा। अगला दिया है टू चेंज द ग्रेन साइज, मतलब ग्रेन साइज को बदलने में, ग्रेन साइज को बड़ा करने में या फिर ग्रेन साइज को छोटा करने में भी हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया है कि टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ मेटल, मतलब कि मेटल को गुणवत्ता को सुधारने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊष्मा प्रतिरोध को बढ़ाने में, ऊष्मा के प्रति प्रतिरोध को बढ़ाने में भी ऊष्मा उपचार का प्रयोग किया जाता है, संक्षारण प्रतिरोध को भी बढ़ाने में आपका ऊष्मा उपचार का प्रयोग किया जाता है, और घिसाव प्रतिरोध वियर रेजिस्टेंस को भी बढ़ाने में हम लोग क्या करते हैं हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। अगला दिया है फ्रेंड्स टू इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि यांत्रिक गुणों को सुधारने में, यांत्रिक गुणों को सुधारने में। आपको बताया गया था कि यांत्रिक गुण क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेटल चैप्टर के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आपको बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं जिसे टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी सुधार सकता है, बढ़ा देगा, डक्टिलिटी बढ़ाने में, शॉक रेजिस्टेंस इत्यादि जो यांत्रिक गुण हैं इन सब को सुधारने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, ठीक है फ्रेंड्स, क्यों स्टील का ही हम लोग अध्ययन करते हैं ये भी बताया जाएगा, क्यों स्टील का ही हीट ट्रीटमेंट किया के बारे में पढ़ा जाता है वो भी आपको बता दिया जाएगा आगे की वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।